एक दिन का जिक्र भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे, बगल में थी पार्वती। और जैसे उन्हें अपनी आंखों को खोला, इधर देखा उधर देखा, पार्वती ना दिखी तो भोलेनाथ नाराज हो गए, ज्यादा ही गुस्सा हो भोलेनाथ। और जैसे ही पार्वती आई तो भोलेनाथ बोले, ए पार्वती ये बताओ तुम आज रात कहां गई थी? तो देखिए आप, महादेव कहने लगे सुन उमा मेरी बात, आज सही बतला दे तेरे कहां बिताई रात। बोले ना ये पूछ रहे हो कहां बिताई रात? आज रात नहीं बोले ना, मैं तो हर रात जाती हूँ हर रात। बोले कहां जाती हो? बोले वृंदावन कन्हैया का राज देखने। ओहो क्या बात! तो बोले ना कहने लगे कि आज तो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ राज देखने के लिए। पार्वती बोली, नहीं नहीं प्रभु, उस राज में पुरुष नहीं जाते, स्त्रियां जाती हैं 16 श्रृंगार करके। अबे वृंदावन में जो पतो है कि पार्वती के पति भोलेनाथ हैं, अबे बिन देख रही है कैसे तुम चलो। अंग भवती मृक्षा लागले में नांग, हाथ में डमरू माथे पे चंदा जटन में गंगा। मेरी सहेली ने पूछी, काय पार्वती जई है का तुम? तो मेरी जई से कट जाएगी, तुम तो जई वाले हो, तुम्हारा नाम भोलेनाथ है, अगर मेरे संग चलोगे ना तो तुमको भोली बनना पड़ेगा। भोली बोला नहीं भोली। बोले कैसे? चलूंगा जरूर। तो पार्वती बोली, सुनो अगर चलना है तो एक लहरीदार चुनरिया अरे माथे पटाल के। बोले ना एक लहरीदार चुनरिया अरे माथे पटाल के। और भोला बन जाओ भोली, भोला बन जाओ भोली, घूमता सवाल के। भोला बन जाओ भोली, घूमता सवाल के। बोले मैं बन तो जाऊंगा भोली, लेकिन एक दिक्कत है। बोले कौन सी? बोले कानों में कुंडल बिच्छू वाले हैं, गले में नांग की माला है, लेकिन कैसे बनूंगा? कानों में कुंडल बिच्छू वाला, गले सरपों की माला, गले सरपों की हमारे महाराज जी की ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद मिला है, धन्यवाद। कानों में माला बिछुआ के है, गले में सर्प की माला, गले में सर्प की माला। और कहती है एक कहां छुपा के रखोगे जहरीला नागी काला काला। तो पार्वती कहने लगी, सुनो एक अकल है मेरे पास, इन सब को रखना पिया झोली में डाल के, इन सब को रखना पिया झोली में डाल के। भोला बन जाओ, भोला बन जाओ भोली, उनका सबा Yeah.
का नाम जो छुपा ले, लेकिन फिर भी एक दिक्कत है। सब तो छुपा है, कहां छुपेगा? गंगा जी का पानी, गंगा जी का पानी, गंगा जी का पानी, गंगा जी का पानी। सब तो छुपा है, कहां छुपेगा? गंगा जी का कैसे करो जनानी। ओ मुझे एक बात का डर है, पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल में। बोले लाल, जहां मैं राजमंडल में जाती हूँ, जहां कन्हैया जो है वो बहुत चालाक, मुझे उसी का डर है। पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल में, भोला बन जा, भोला बन जाओ भोली, भोलता सब पार्वती और पीछे भगवान भोलेनाथ नारी के वेश में दोनों चले जा रहे हैं। राजमंडल के द्वार पर पहुंचे पार्वती को श्याम सुंदर ने देखा। बोले यार, रोजाना पार्वती अकेली आती थी, आज एक कौन है उनके संग में? कन्हैया ने बांसुरी बजाते हुए देखा, एक कोई सखी नहीं है, अरे तो कोई सखा है। कन्हैया समझ गए, भगवान भोलेनाथ नारी के रूप में है। कन्हैया बांसुरी बजाते हुए और चलते चलते भोलेनाथ का हाथ पकड़ लिया, तो भोलेनाथ भीतर साड़ी में मुस्कुराने लगे। पकड़ कलाई गौरा जी ने भोलेनाथ मुस्काए और कन्हैया ने एक बात कही भोलेनाथ के कान में, सब तो आए दिन घूंघट के, तुम घूंघट में क्यों आए, घूंघट में क्यों आए, आए पाले पर हो तुम आज नंद लाल के। भोलेनाथ पाले पर हो तुम आज नंद लाल के, भोला बन जाओ, भोला बन जाओ, भोला बन जाओ।
देखे आप उसी समय से भोले बाबा अरे गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए। गीत है हल्के का पर शब्द है कमाल के, गीत है हल्के का पर शब्द है कमाल के। भोला बन जाओ भोली बोलता समझाए, बोले शंकर भगवान की।